कार को अनलॉक करा है, ये देखिए सारी की सारी लाइट जल चुकी हैं। ऑटो पे मैंने कर रखी है, ऑटो पे करने का ये फ़ायदा है। आगे से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हेडलाइट वगैरह सब जल चुकी है, ये देखिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि अपनी इस नई वेन्यू का लाइट का रिस्पॉन्स दिखाइए, रात में कैसा क्या है। सो आज आपकी डिमांड पूरी होने वाली है। सो आज मैं करने वाला हूँ अपनी इस नई वेन्यू का लाइट का रिस्पॉन्स दिखाने वाला हूँ, कैसा क्या मिल जाता है। सो वीडियो में बने रही है, वीडियो पूरी देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कुछ इस टाइप की लग रही है अपनी हुंडई वेन्यू आगे से, ये देखिए लाइट का। अभी मैंने फ़िलहाल तो DRL ऑन कर रखी है और मैं दिखाता हूँ इसमें। सो इधर आपको चारों तरफ मिल जाती है DRL, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और इसमें मिल जाता है प्रोजेक्टर, वो मैं आपको चला के दिखाऊँगा। और इधर मिल जाती है कॉर्नरिंग लाइट, वो भी आपको दिखाऊँगा सब कुछ। इसमें आपको फॉग लाइट नहीं मिलती है, सो मैं दिखाऊँगा रिस्पॉन्स फॉग लाइट के बिना कैसा आ रहा है। सो और मैं दिखाऊँ, इधर की साइड मिल जाता है आपको ORB में, ये देखिए पेडल लैम्प। रात में दिखाऊंगा, रात में बहुत बढ़िया लगती है, ये देखिए नीचे की साइड मिल जाती है लाइट। और इधर मिल जाता है इंडिकेटर में लाइट मिल जाती है आपको, इंडिकेटर जो है। और पीछे का लुक दिखाऊंगा, पीछे का लुक तो एक नंबर वाला है बिल्कुल, ये देखिए पीछे का लुक, पीछे का लुक कुछ इस टाइप का आ रहा है, ये देखिए इतनी बढ़िया लग रही है। ये देखिए पूरी की पूरी कनेक्टिंग लाइट मिल जाती है, जैसी आपने देखी क्रेटा वगैरह में काफ़ी लोग क्या करते हैं आफ्टर मार्केट लगवाते हैं। सो इसमें आपको जरूरत नहीं है, ये आप कंपनी आपको करके दे रही है ये चीज़। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, ये देखिए इधर मिल जाती है ब्रेक लाइट, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और नीचे की साइड मिल जाती है नंबर प्लेट लाइट, ये देखिए। सो अब मैं दिखाता हूँ इसके कंट्रोल्स कैसे मिल जाते हैं, ये देखिए अंदर से। सो इधर की साइड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये देखिए लाइट के, पहले डोर को बंद कर लूँ। ये देखिए इधर की साइड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके लाइट के, ये देखिए। सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं, और सेकंड नंबर पे आप ऑटो पे कर सकते हैं। ऑटो हेडलैम्प मतलब अपने हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए रात होगी तो अपने हिसाब से लाइट जल जाएगी, अपने हिसाब से सेंसर लगा हुआ, ये देखिए यहाँ पे, तो अपने आप लाइट जल जाएगी। सो थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर में इसमें आपको मिल जाती है ये, आप यहाँ से DRL ऑन कर सकते हैं मैनुअली। और फोर्थ की बात करें, फोर्थ में आप यहाँ से हेडलाइट ऑन कर सकते हैं, मेन प्रोजेक्टर जो है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं मैनुअली। सो आप इधर से आप ये हेडलाइट का जो लेवल है वो सेट कर सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 आप लाइट का जो नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं यहाँ से ही। ये आपको रात में बढ़िया दिखेगा 0, 1, 2, 3 का ये कैसा क्या है, वो आप रात में देखिए। रुक जाइए थोड़ी देर, बस अभी बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं, एक घंटे बाद रात हो जाएगी काफ़ी एकदम, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देखिए, ये देखिए फुल्ली डिजिटल कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखिए पूरी की पूरी। और ऊपर की मैं बात करूँ, ऊपर ये देखिए ये लाइट मिल जाती हैं, आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से चला सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ से भी कर सकते हैं। और पीछे भी मिल जाती है आपको लाइट, ये देखिए ये भी आप बंद यहाँ से ही ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, ये देखिए। सो मैं दिखाता हूँ एक घंटे बाद आपको नाइट का रिस्पॉन्स कैसा क्या मिलता है। सो गाइस अभी मैं दिखाऊँ, अभी बज रहे हैं 8 बज चुके हैं, और ये आप देखिए सामने कितना ज़्यादा अंधेरा है। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको लाइट का फोकस, अब प्रॉपर दिखेगा बढ़िया। अभी तो मैंने अंदर की लाइट जला रखी है, इसे बंद करके दिखाऊँ तो मैं देखिए कुछ इस टाइप का अंधेरा हो रखा है, ये देखिए बिल्कुल डार्कनेस हो रखी बाहर। सो अब मैं लाइट जला के दिखाता हूँ, अभी तो मैं फ़िलहाल मैं करता हूँ DRL ऑन, ये देखिए मैंने DRL ऑन कर दी है, ये देखिए कुछ इस टाइप का फोकस आ रहा है। सो अभी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको DRL ऑन करके, भाई DRL ऑन कर देना, DRL ऑन, ये देखिए DRL ऑन हो चुकी है, DRL का लुक कुछ इस टाइप का आ रहा है, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, ये देखिए मैं इस साइड से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। भाई हेडलाइट ऑन कर देना, ये देखिए हेडलाइट का रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप का है। आगे से मैं दिखाता हूँ तो आगे से लाइट कुछ इस टाइप की लग रही है, देखिए ये देखिए। और मैं ऑटो पे करके दिखाऊँ आपको, ऑटो पे करना भाई, एक बार ऑटो पे कर देना, अरे मैंने ये देखिए ऑटो पे कर दिया, ऑटो पे तो वही ऑटोमेटिकली अपने आप जल जाएगी लाइट। और अब मैं दिखाता हूँ हैजार्ड लाइट ऑन करके, हैजार्ड लाइट एक बार, हैजार्ड लाइट। सो अभी मैंने कर दिया हैजार्ड लाइन भी ऑन, ये देखिए हैजार्ड लाइन ऑन कर दिए तो कैसी लग रही है कार, ये देखिए रात में कितनी बढ़िया लग रही है। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ पीछे से कैसी लग रही है,
पीछे की देखिए आप कितनी बढ़िया लगती है लाइट पीछे से। ये देखिए पीछे से कितनी बढ़िया लग रही है, ये देखिए पूरी की पूरी कनेक्टिंग लाइट लग रही है। पहले मैं आपको हैजार्ड लाइट बंद करता हूँ फिर दिखाता हूँ। भाई हैजार्ड लाइट बंद कर दी, ये देखिए मैंने हैजार्ड लाइट बंद कर दी है। अब देखिए लाइट पूरी की पूरी कनेक्टिंग कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। देखिए नीचे से लुक पूरी की पूरी कनेक्टिंग है, कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखिए जो आजकल लोग क्रेटा वगैरह में आफ्टर मार्केट करवाते हैं वो आपको जो इतनी है इसमें कितनी बढ़िया लग रही है। और नीचे से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए नंबर प्लेट लाइट येलो मिलती है, हेलोजन ही है। पीली लाइट जो है कह सकते हैं इसे आप, ब्रेक लगा दिए और ब्रेक लगा के लाइट देखिए कुछ उस टाइप की लग रही है। ये देखिए ऊपर वाली लाइट है ये भी जल चुकी है। और अब मैं लगाता हूँ बैक गियर लाइट, दिखाता हूँ आपको। भाई बैक गियर लाइट लगा देना, ये देखिए बैक गियर लाइट भी जल चुकी है। और बैक गियर लाइट का रिस्पॉन्स दिखाऊँ मैं तो ये देखिए कुछ इस टाइप का आ रहा है। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइव करके कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है वो दिखाता हूँ आपको मैं। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये पेडल लैंप मिल जाती है आपको नीचे। ये देखिए मैं इसके गाड़ी के पास गया तो ये देखिए अपने आप शीशे खुल चुके हैं और अपने आप लाइट जल गई है। मैं पीछे से दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस टाइप का लुक लग रहा है। और मैं पीछे दूर जाऊँगा तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। ये देखिए थोड़ा और दूर जाता हूँ, ये देखिए अपने आप बंद हो गई लाइट और साइड मिरर बंद हो गए। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सबसे बढ़िया चीज़, ये देखिए मैंने कार को अनलॉक करा है, ये देखिए सारी की सारी लाइट जल चुकी हैं। ऑटो पे मैंने कर रखी है, ऑटो पे करने का ये फ़ायदा है। आगे से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हेडलाइट वगैरह सब जल चुकी है। ये देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको ड्राइव करके कैसा रिस्पॉन्स लगता है लाइट का। तो चलिए अंदर चलते हैं। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये जो ये दे रखा है लेवल सेट करने का लाइट का, ये दिखाता हूँ आपको कैसे आप सेट करके और रिस्पॉन्स कैसा आता है इसका। ये देखिए अभी तो फिलहाल जीरो पे है तो मैं अभी इसे करता हूँ एक नंबर पे। ये देखिए हल्की सी आप देख रहे हैं लाइट थोड़ी नीचे हो गई है, ये देखिए और नीचे हो गई है। ये देखिए और करूँ तो मैं देखिए और नीचे हो चुकी है। आगे देखिए आप, ये देखिए मैं ज़ीरो पे करता हूँ फिर से, ये देखिए लाइट अपने आप ऊपर हो गई है। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप कितनी ऊपर हो गई है। जैसे कि मैंने दोबारा इसे नीचे करा, ये देखिए। सो अब मैं करता हूँ ड्राइव कार को, फिलहाल तो ये लाइट बंद कर लें। सो अभी मैंने कर रखी DRL ऑन, ये देखिए। सो अब मैं दिखाता हूँ हेडलाइट ऑन करके, ये देखिए मैंने हेडलाइट भी ऑन कर दी है। और मैं हाई बीम का रिस्पॉन्स दिखाऊँ तो ये देखिए हाई बीम का रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप का आ रहा है। फिलहाल तो आगे बाइक आ रही है, लो बीम पे कर दूँ। सो ये देखिए मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते आप, लाइट ठीक ठाक है, मतलब काम चला हुआ है, ज़्यादा मतलब बहुत बढ़िया लाइट नहीं है इसकी। इसमें कंपनी ने क्या करा है, फॉगलाइट हटा दी है। फॉगलाइट हटा के गलती करी है, फॉगलाइट देनी चाहिए थी क्योंकि लाइट का रिस्पॉन्स इतना बढ़िया नहीं आ रहा है। सो LED तो दी है लेकिन फॉगलाइट और देनी चाहिए थी इन लोगों को, पता नहीं क्यों हटा दी है फॉगलाइट। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कॉर्नरिंग लाइट, जैसे कि अभी आगे कट है तो मैं कट पे आपको दिखाऊंगा कैसे कॉर्नरिंग लाइट ऑन होती है। सो अभी रुकिए आप, आगे कट है इस पर दिखाता हूँ मैं। सो जैसे कि देख सकते हैं आप ये आगे कट है तो मैं लूँगा राइट को लूँगा गाड़ी। ये देखिए, ये देखिए अपने आप येल्लो लाइट जो जली है इसे कहते हैं कॉर्नरिंग लाइट। ये येल्लो कलर का जो बल्ब है साइड में मिल जाता है आपको, इसे कहते हैं कॉर्नरिंग लाइट। मैं अगर लेफ्ट को घुमाऊँगा तो लेफ्ट की लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी और राइट को घुमाऊंगा राइट की ऑन हो जाएगी। देखिए हल्का सा मैं लेफ्ट लेके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इधर आपको येल्लोपन जो दिख रहा होगा लाइट का, येल्लो लाइट जो जल चुकी है वो है कॉर्नरिंग लाइट। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ एक बार कॉर्नरिंग लाइट कैसी होती है। देखिए आप ये होती है कॉर्नरिंग लाइट, ये येल्लो कलर की जो जल रही है वो होती है। अब मैंने जैसे कि गाड़ी को लेफ्ट साइड घुमा रखा है तो लेफ़्ट साइड की लाइट जल चुकी है। और मैं इधर दिखाऊं, देखिए इस साइड नहीं जल रही है क्योंकि इस साइड गाड़ी नहीं घूम रखी है। सो कुछ इस टाइप की है। सो ये थी कॉर्नरिंग लाइट जो मैंने आपको दिखा दी है। सो अभी मैं चलता हूँ थोड़ी लाइट वाली जगह, वहाँ दिखाता हूँ रिस्पॉन्स कैसा मिल जाता है आपको। ये देखिए अभी तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। ये देखिए मैंने हाई बीम ऑन करी है, ये देखिए मैं दिखाऊँ तो आपको। सो अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ी लाइट वाली जगह रिस्पॉन्स कैसा है इसका।
इधर राइट को ले लेते हैं। सो अभी मैं आ गया हूँ थोड़ी लाइट वाली जगह, लाइट में थोड़ा रिस्पॉन्स देखिए, जैसे लाइट चल रही है और अब कार का रिस्पॉन्स देखिए, कार की लाइट का ये देखिए, यहाँ आगे काफ़ी तेज लाइट चल रही है ये देखिए, और ये देखिए रिस्पॉन्स लाइट का, लाइट का रिस्पॉन्स लाइट में देखिए आप। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कार की लाइट का अपनी ये देखिए, हाई बीम पे करता हूँ ये देखिए, हाई बीम में कुछ इस टाइप का आ रहा है, अब फिलहाल लो बीम कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप। मतलब मैं ये कहूँगा लाइट का फोकस इसका Hyundai Venue फेसलिफ्ट आई है उसका इतना खास नहीं है, मतलब ये कहूँगा मैं, फॉग लाइट देनी चाहिए थी इन लोगों को, कंपनी वालों को, इन लोगों ने पता नहीं क्यों हटा दी है फॉग लाइट, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से यू टर्न लेते हैं पहले, तो थोड़ा रिस्पॉन्स देखिए लाइट में ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, हाई बीम में करके दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए, ये देखिए, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊंगा ये देखिए, फुल्ली डिजिटल है, कितना बढ़िया लग रहा है ये देख सकते हैं आप। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ बैक गियर, ये बैक गियर का कैमरा कैसा मिल जाता है आपको इसका, मैं कार यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ आपको एक बार, रुकिए, ये देखिए, अब मैं बैक गियर ऑन करता हूँ, बैक गियर लगाता हूँ, पहले बैक गियर लगाता हूँ ये देखिए, और मैं स्टीयरिंग को घुमाऊँगा ये देखिए, ये देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है कैमरे का, ये देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट करके बताइए। सो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में दिखाया था आपको Hyundai Venue फेसलिफ्ट जो न्यू वाली आई है 2022 वाली, उसका लाइट का रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। सो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कार के साथ, और अपनी इस कार के फीचर और दिखाने हैं अगली वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय टाटा।